बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलातु व सलाम अलैका या सैयदी या खातमुन नबियिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं, आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है और मेरे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब क्या करते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सरदार अमजदी साहब। नाज़रीन कराम, कल एक मैंने वाक़ आपसे शेयर किया था हज़रत अबू हाजिम रहमतुल्लाह के हवाले से कि उन्होंने ख्वाब जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने देखा था उस हवाले से मैंने आपको बताया था। उसी सिलसिले में आगे लिखते हैं अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब मेरी बख्शिश का परवाना मुझे मिल गया तो फरिश्ते मुझे जन्नत की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में मैंने देखा कि एक गली सड़ा सा जिस्म जला हुआ एक रास्ते में पड़ा हुआ है। मैंने फरिश्तों से कहा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, आप खुद पूछ लीजिए। मैंने उस शख्स को उठाया, पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने कहा, मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूँ। कहने लगा कि मैंने दुनिया में जितने कत्ल किए थे, हर कत्ल का मुझे यहाँ पे हिसाब देना पड़ा, हर कत्ल के बदले मुझे अजाब हुआ है और आज मैं बड़ी तकलीफ़ की हालत में यहाँ पड़ा हुआ हूँ। रब की रहमतों से उम्मीद है कि अगर वो मुझे माफ़ कर दे तो जन्नत में दाखिल कर देगा और उसकी मर्ज़ी है, चाहे तो वो जहन्नम में दाखिल करे। जी नाज़रीन कराम, वाक़ियात जो हम आपसे शेयर करते हैं, यकीनन उलमाए कराम ने हमारे लिए लिखा किताबों में कि हम पढ़ कर नसीहत हासिल करें और हम इसलिए आपसे शेयर करते हैं कि आप मेरे साथ इन कैफियत को शेयर करें कि देखें ऊपर जाके वो दिन आने वाला है जिससे कोई इनकार नहीं है। एक एक अमल का हमें बता दिया जाएगा, फमै यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमै यामल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि ज़र्रे के बराबर नेकी है वो भी बता दी जाएगी, ज़र्रे के बराबर बुराई है वो भी बता दी जाएगी। अभी मेरे और आपके पास अल्लाह की रहमत से थोड़ा सा वक्त है, पता नहीं कौन सी सांस हमारी आखिरी हो। आइए मेरे साथ मिलकर सिद्क दिल से अल्लाह पाक से तौबा इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब पर रहम व करम फरमाए और मज़ीद गुनाहों से अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। बहरहाल ये इंशाअल्लाह इस तरह के वाक़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे, मुफ्ती साहब से भी इस पर हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अपने अच्छे अच्छे और सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सरदार अमजदी साहब बताएँगे ख्वाब क्या कहते हैं। आज के पहले कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से मेरी बहन? मुल्तान से जी, सलमा। मुल्तान से मेरी बहन सलमा बात कर रही है। जी सलमा बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैं ख्वाबों में अक्सर ख्वाब देखती हूँ बड़े बड़े जी, दसने की कोशिश करते हैं मगर दस नहीं सकते। अच्छा, दसने की कोशिश करते हैं लेकिन दस नहीं सकते, कामयाब नहीं होते। ठीक है जी जी। और आसमान में कुरान शरीफ की लाइनें देखती हूँ तो वो समझ में नहीं आता कि वो लाइनें क्या होती है। अच्छा, कुरान मजीद की सतरे आप लिखी हुई देखती हैं? वो जो सहाफ़तें होती है अंदर कुरान मजीद में, वो जो आयतें जी, जी जी जी, वो आप लिखी देखती हैं लेकिन समझ में नहीं आता क्या लिखा है। समझ में याद नहीं है वो, और मैं ख्वाबों में उड़ती भी हूँ अक्सर। अच्छा, और या अल्लाह मदद कहती हूँ और दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, यासीन शरीफ पढ़ती हूँ फिर उड़ने लगती हूँ। अच्छा, या अल्लाह मदद कहती हैं और यासीन शरीफ और दुरूद शरीफ पढ़ती हैं जी, फिर उड़ने लगती हूँ। चले मेरी बहन सलमा, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत ये ख्वाब की ताबीर आप अभी बता सकते हैं, फिर हमारी लाइट चली जाती है, कभी भी हमने तारीख नहीं सुनी। बस अभी मुफ्ती साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं, जैसे हम ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह मैं पहली फुर्सत में आपके ख्वाब की ताबीर आपको बताऊंगा, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा जी। दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरे भाई, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मैं ताहिर बोल रहा हूं जी, कमालिया से। ताहिर भाई कमालिया से बात कर रहे हैं जी। ताहिर भाई अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी सर, मैं ना सुबह मुझे अजान के वक्त ना ख्वाब आया कि मैं ना एक अपने कमरे में बैठा हूँ तो मेरी तरफ ना एक सांप आ रहा है, वो भी मुझे देख रहा है, मैं भी उसे देख रहा हूँ। तो वो मुझे काट नहीं रहा, वो भी वो जो थोड़ा सा सुराख है उससे बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं रहा। मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ कि कोई दुश्मन या कोई ऐसी चीज तो नहीं है कोई। अच्छा, बाहर जाता नहीं है? नहीं, बाहर नहीं जाता। ठीक है, और आपको डसा भी नहीं है उसने? ठीक है, आप डरते हैं बहुत उसको देख के? हाँ हाँ, मैं डरता हूँ। ठीक है ताहिर भाई, इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपके ख्वाब भी क्या कहते हैं, प्रोग्राम देखते रहिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मर गया ना वो, मुझे जिंदा नजर आया। मेरे भाई आप तो वो कह रहे हैं ये जरा दो बेटे हैं। जरा मेरे भाई आप थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। आप अल्हम्दुलिल्लाह से प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, पूरी दुनिया में लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा अपना तारुफ भी कराइए, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मुल्तान से बात कर रहे हैं जी। कौन? नसीर। हाँ जी, लतीफ़, मोहम्मद लतीफ़ मुल्तान से बात। अच्छा, मोहम्मद लतीफ़ साहब मुल्तान से बात कर रहे हैं जी। अब मोहम्मद लतीफ़ भाई अपना ख्वाब बयान कीजिए शुरू से। मैंने ख्वाब में देखा है, मैं देख रहा हूँ दो आदमी हैं, चाचा भतीजे हैं, फोत हो गया। चाचा भतीजे? एक मिनट, चाचा भतीजे आपके हैं जो फोत हो गए? हाँ जी, हाँ जी, जो फोत है मोहल्ले में मेरे रिश्तेदार हैं, कजन है। अच्छा, वो फोत हो चुके हैं? वैसे फोत हो चुके हैं। उन्होंने कहा है ये दो बच्चे हैं छोटे, ये मेरे हैं। अच्छा, वो दो बच्चे कौन थे? पैदा हुए हैं और एक उसके पास है, एक उसके पास है। मुसलसल मैं दो दिन में यही ख्वाब देख रहा हूँ। गोद में है दोनों बच्चे उनके? दो बच्चे हैं उनके, दो बच्चे जुड़े जमे हैं। और कहते हैं कि मैं कहते हैं एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, दो बच्चे हमारे हैं, उठा रहे हैं। दूसरे दिन भी ऐसे नहीं, मतलब दिन भी बच्चा। एक मिनट, दो बच्चे हैं, चार बच्चे हैं? दो बच्चे जुड़े जमे थे, जुड़वा वाले दो बच्चे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। वो कह रहे थे एक बच्चा ये मेरा है, ये इसको बच्चा दे दो। दूसरे दिन भी मैंने यही ख्वाब देखा, वो मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं। ये मैंने कहा किसका बेटा? एक और था मेरा बेटा ये। तीसरे दिन ये वही बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, लतीफ़ भाई आपका ख्वाब इन्होंने नोट किया है, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। और आज के चौथे कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं अपने तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको मैं कहूं कि आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं या मेरे डायरेक्टर साहब को बताएं कि आप प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो काइंडली आप टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दिया करें। देखें, आपकी टेलीविजन की आवाज़ बंद होती है तो प्रोग्राम में आप सही तौर पर शामिल हो सकते हैं, वरना सौती असरात इस तरह आती हैं इको की शक्ल में कि ना पब्लिक समझ पाती है ना हम समझ पाते हैं। बहरहाल कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सांगरेल से बात कर रही हूँ सर जी। कहाँ से? एक मिनट, कहाँ से बात करिए? सांगला हिल से। सांगला हिल से जी, सांगला हिल से बात कर रही हैं। आप अपना ख्वाब बयान कीजिए जी। मैंने ख्वाब में देखा कि दो कुत्ते हैं जो खोजी कुत्ते होते हैं और वो आके मेरा दुपट्टा पकड़ते हैं और कहते हैं चोरी सुनने की है। अच्छा, दो और एक औरत है वो हमारी कोई रिश्तेदारी है, वो उसको साथ लेके आई है। एक मिनट, दो कुर्ता पकड़ के कहते हैं चोरी तुमने की है? हाँ जी, तो वो एक औरत है वो साथ लेके आई, वो हमारी रिश्तेदारी है। औरत रिश्तेदार कुत्ते वो लेके आई है? हाँ जी, और फिर मेरे शोहर उनको कुत्तों को भगा देती है और वो फिर सारा गाँव चक्कर लगा के ना फिर आके मेरा ही बचावा करते हैं, कहते नहीं तुमने चोरी की है। और फिर मैं अपनी अम्मी के घर हूँ और सर पे ना मैंने। अच्छा, शोहर कुत्ते भगाते तो कुत्ते फिर आ जाते हैं। अच्छा, फिर ये बताइए कि वो जो खातून है वो आपकी जानने वाली है जो कुत्ते लेके आती है? हाँ जी, उनसे कोई झगड़ा, कोई किसी किस्म की नाराजगी, फसाद, झगड़ा तो नहीं उनसे आपका? हाँ जी, अच्छा नाराजगी है। चले जी, हम मुफ्ती साहब की हिदायत पे मैंने आपसे पूछा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह मुसाब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। और मुसाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुसाब, आपसे इंट्रो के हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ, लेकिन एक खातून ने जो मेरी आपकी बहन है रिक्वेस्ट की है कि हमारी बिजली चली जाएगी, तो पहले एक मेरे ख्वाब की ताबीर बता दें। तो उन्होंने ये बताया, कहा था कि ये मुल्तान से सलमा बहन है, कहती हैं कि अक्सर बड़े बड़े सांप देखती हैं जो डसने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। एक दूसरा ख्वाब देखा कि आसमान में कुरान मजीद फुरकान हमीद की सतरें देखती हैं लिखी हुई, लेकिन वो याद नहीं रहता कि क्या कौन सी सतर है, क्या लिखा हुआ है। और तीसरा देखा इन्होंने कि मैं हवा में उड़ती हूँ और मैं या अल्लाह मदद कहती हूँ, यासीन शरीफ पढ़ती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। हवा में उड़ती हैं जी, अब उड़ती, और ये यासीन शरीफ पढ़ती हैं, या अल्लाह मदद कहती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ती हैं। अच्छा, ये जो बहन ने ख्वाब देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबी व बारिक वसल्लम। देखें, इलेक्ट्रिसिटी जाने का तो एक ऐसा मसला कि हमें एहतराम करना चाहिए, इसका ख्याल भी करना चाहिए। तो मेरी बहन ने जो ख्वाब देखा कि सांप हैं, डसने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे,
तो ये ख्वाब ये बता रहा है। देखें, सांप का उलमा मुअब्बिरीन फरमाते हैं कि हकीकत में दुश्मन का होना है। जहरीला सांप हो तो इसका मतलब है कि यानी दुश्मन ख़तरनाक है, और यानी छोटा सांप हो तो उसका मतलब है कि दुश्मन है लेकिन ख़तरनाक नहीं है। अच्छा, बाज़ वक़्त छोटे सांप भी बड़े जहरीले होते हैं, वो ऐसा नुकसान पहुंचाकर चले जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। तो बहरहाल दुश्मन हैं, लेकिन अभी तक इनको नुकसान पहुंचाने की यानी सतह पर नहीं आ सके। जब भी वो कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला उनको नाकाम फरमा देता है, और हमारी आपकी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तकबिल में भी उनको नाकाम फरमाए, नामुराद फरमाए। और आगे जो ख्वाब है ना दोनों, ये आपको बताए जा रहे हैं कि आप माशाल्लाह जो है वो कुछ दीन से मोहब्बत रखती हैं, कुछ ऐसा पढ़ती हैं या कुछ ऐसा नेक काम करती हैं कि जिसकी वजह से आपकी हिफाजत हो रही है। जब बंदा नेक काम करता है, सोम सलात का पाबंद होता है, फ़राइज़ वाजिबात सुनतों का पाबंद होता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर गैबी अंदाज में उसकी हिमायत और उसकी हिफाजत का इंतज़ाम होता है। तो कुरान की सतरें हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कुरान पढ़ने की तरफ रग़बत दी जा रही है, कि आप कुरान की तिलावत को अपना ज़ौक व शौक बनाएं, अपना मामूल बनाएं। दूसरा ये कि हवा में उड़ती हैं या अल्लाह मदद कहती हैं, ये भी बड़ा प्यारा ख्वाब है। यासीन शरीफ पढ़ती हैं, जब कुरान पढ़ेंगी तो कुरान में अल्लाह ही अल्लाह है ना, सुभान अल्लाह। कुरान में है क्या? अल्लाह है, तौहीद बारी ताला है, और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो जिक्र है, और उसमें पूरा दीन मौजूद है ना। तो आपको बताया जा रहा है कि जब कुरान की तिलावत करेंगी और अल्लाह पर तवक्कुल करेंगी तो याद रखें कि फिर कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और तरक्की की राहों पर, हिफाजत और अमन की राहों पर इंशाल्लाह आप गामजन रहेंगे। माशाल्लाह, उस गुफ्तगू मैं चाह रहा था उस अपने ड्राइये पे करने की, लेकिन मेरे कॉलर्स भी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, उनको शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम जी, मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही है? मैं राबिया बात कर रही हूँ, रहीनार से। जी मेरी बहन राबिया, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मुफ्ती साहब, पहला तो मेरा ख्वाब ये है कि मैंने, हम दो बहनें हैं, हम लोग ना बैयत हुए थे, तो जिस दिन हम बैयत होकर वापस आए थे ना, उसका सुबह को ना हम लोगों को ऐसे ख्वाब पर थे, बैयत किसी बुजुर्ग से नहीं की है। अच्छा जी जी। हाँ, और जब हम वापस बैयत होकर आए ना, तो उस रात ना ख्वाब में आवाज आई कि तुम दोनों बहनों का नाम कफन पे लिखा जा चुका है। अच्छा, ठीक है। और मेरा दूसरा ख्वाब ये है कि मैं एक दरबार में गई हूँ और मैंने वहाँ जाके दो नफल अदा किए हैं। और मेरा तीसरा ख्वाब ये है कि मेरी बहन ने ख्वाब में देखा है कि वो कहती है कि मैंने उसको ख्वाब में कहा है कि मैंने ना रात ख्वाब में तुम्हारे लिए चांद और सितारे देखे हैं। अच्छा, ये आपने ख्वाब देखा है? बहन ने देखा है इनके लिए? जी, बहन ने देखा है कि मैं। ठीक है मेरी बहन, आपके तीनों ख्वाब ने नोट किए हैं, और एक और कॉलर मुंतजर, इनको भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अशदाद भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, माजरा चाहता हूँ आपका नाम को भी, सलाम सलाम कह देता। अपना नाम बताएंगे प्लीज? नाम तो ना बताए तो बेहतर है। अच्छा, नाम बताए तो बेहतर है, चले फिर। अच्छा, कॉल ही ड्रॉप हो गई, चले ठीक है। नाज़रीन, इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे मुख्तसर से वक्फे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सेगमेंट का आगाज़ भी आप ही से करेंगे, बताएंगे आप लोग टेलीफोन लाइन से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही है? जी मैं मिसेस नाज़रीन बिजावन से बात कर रही हूँ। मेरी बहन आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा ऊंची आवाज़ में बोले प्लीज। जी मैं मिसेस नाज़रीन गुजरावाला से बात कर रही हूँ। गुजरावाला से बात कर रही हैं जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मुझे मिसेस साहब से दो ख्वाब पूछने थे अपने। जी जी, जरा ऊंची आवाज़ में बोलिए प्लीज। मैंने ख्वाब में क्या देखा कि घर बन रहा है, घर तामीर हो रहा है, तो मैं खुश होती हूँ देख के। अभी तो फिर क्या देखती हूँ, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है तो घर पूरा मुकम्मल हो जाता है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ और अंधेरा देखती हूँ। दूसरे ख्वाब की मुझे ख्वाब की ताबीर पूछनी थी। जी बोले। मैं क्या देखती हूँ, मैं बाजार में हूँ, अपने भाइयों के साथ हूँ, अंधेरा है, हमें अपने घर जाने, ना हमारे पास सवारी है, ना पैसे हैं, सब शॉप वगैरह बंद है। तो मैं क्या देखती हूँ, एक शॉप खुली है, तो मैं कहती हूँ भाई को मैं पैसे लेके आती हूँ, तो कहते हैं ठीक है। मैं कहती हूँ मुझे पैसे चाहिए, तो हमने अपने घर जाना, वो पैसे मुझे देता है कोई अननोन आदमी होता है, मुझे पैसे देता है। तो वहाँ एक बुजुर्ग को देखती हूँ मैं, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वाइट कपड़ों में मैंने उनको देखा, तो वो कहते हैं बेटा आपका घर आ चुका है, तो मैं खुश होती हूँ। तो मैंने वहाँ दो बकरी के बच्चे भी देखे हैं, अंधेरा था पर वहाँ फिर भी। अच्छा मेरी बहन, आप मैरिड हैं? जी जी, मैं शादीशुदा हूँ। कुछ परेशान हैं आप? जी परेशान हूँ मैं। और ज्यादातर सोचती रहती हैं आप?
नहीं नहीं इतना नहीं सोचती मैं, ये काफी ये वाला जो सेकंड ख्वाब मेरा थोड़ा सा पुराना है, पर ये जो फर्स्ट है वो मैंने अभी दो चार दिन पहले। आपकी परेशानी किस मामले में है? बस औलाद नहीं है ना, इसलिए परेशान होते हैं। ठीक है, चले अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद अता फरमाए, हम सब दुआ कर रहे हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है जी। एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, बताइए कौन कहां से बात कर रही हैं? जी मैं मरियम बात कर रही हूं सरगोधा से, मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। सलाम वालेकुम। अस्सलाम फरमा रहे हैं जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए जी। सर ये मैं अक्सर देखती हूँ कि मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, नमाज के लिए वजू कर रही हूँ। अच्छा ठीक है जी। तो दूसरा जी, वैसे नमाज की पाबंद है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज कुरान पाक पढ़ती हूँ। ठीक है माशाल्लाह। दूसरा ख्वाब जी? तो दूसरा जी, दूसरा मैं देखती हूँ कि मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। अच्छा कुरान मजीद पढ़ते हैं जी जी। तीसरा मेरा ख्वाब ये है कि मेरे भांजे ने देखे तो जिस तरह के लट्टू नहीं घूमता गोल गोल, इस तरह का तूफान है तो ना उसमें वो गाड़ियां इंसान सारे मतलब उड़ा के वो अपनी ना उसमें लपेट में लेके उड़ा रहे। अच्छा भंवर टाइप का जी जी जी। जैसे ही मेरा भांजा दे कहता है कि मैं जैसे ही वहां जाके कदम रखता हूँ उस जगह तो वो तूफान वहीं रुक जाता है, लोग बिल्कुल सही सलामत खड़े हो जाते हैं। अच्छा। तो कहता है कि जैसे ही मैं अगला कदम रखता हूँ ना वहां ना ईंटों की बारिश हो रही है आसमान से, तो कहता है कि जहाँ मैं इधर से पाँव उठाते हैं वहाँ कदम रखता हूँ, कहते हैं मेरा काफी बड़ा कदम इधर से उठाता हूँ कहीं दूसरी जगह रखता हूँ तो वो जो ईंटों की बारिश हो रही है ना कि वो लोग मार रहे हैं, जिसको लगता है वो वहीं मार जाता है, तो वो जो बारिश हो रही है ईंटों की वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, रुक जाती है। तो कहता है कि तीसरी जब तीसरी जगह जाके कदम रख रहा हूँ तो वहाँ जो हवाई जहाज है वो ना आसमान से आग गिरा रहा है तो लोग मार रहे हैं, जैसे मैं जब वहाँ कदम रखता हूँ तो वो रुक जाती है, जो आग पर सारा जहाज वो खुद नीचे गिर जाता है। फिर कहता है कि दो बच्चियां हैं, दो बच्चियों को मैं उठा के बैठाता हूँ। अच्छा, ये बताएं ये बताएं कि आपके भांजे की उम्र कितनी है? जी वो माशाल्लाह 24 साल का है और अब उसने अभी नेवी में हुआ है। अच्छा क्या काम करता है वो? जी नेवी में। नेवी में। ठीक है ठीक है मेरी बहन, आप सरगुजार से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कॉल कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई है जी। नेक्स्ट कॉल करने से पहले मुस्तफा ताहिर साहब कमालिया से ख्वाब पूछ रहे थे कि सुबह अजान के वक्त उन्होंने देखा था कि अपने कमरे में है एक सांप आया और सांप इनको देखता है, ये सांप को देखते हैं, सुराख है, सुराख से बाहर जाने की कोशिश करता है सांप लेकिन जाता नहीं है और ये डरते बहुत हैं उसको देख कर। अच्छा जो ताहिर साहब ने कमालिया से पूछा है ना, तो मैंने भी बताया कि सांप को ख्वाब में देखना दुश्मन है और ये सांप इनको देख रहा है और ये सांप को देख रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इनको ही पता है कि कौन मेरा दुश्मन है और ये उसके इंतज़ार में रहते हैं, वो इनके इंतज़ार में रहता है। ये भी देखा होगा ना आपने कि दो बंदे हैं, दुश्मनी आपस में होती है तो वो बस एक दूसरे को देख रहते हैं कि क्या ये कर रहा है तो फिर मैं करूँ, तो इस तरफ इशारा हो रहा है, बाकी अल्लाह ताला को खबर है। और ये जो है ना कि इसमें मैं इनको बताऊं कि ये दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए किसी से अगर नाचाकी वगैरह है ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये कदम बढ़ाकर उसको दूर कर लें कि दुश्मनों को किसी फील्ड में भी बढ़ाना नहीं चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, यानी ख़त्म यानी उनको मोहब्बतों में तब्दील करना चाहिए, कम से कम इतना कर लें कि वो दुश्मनी पर आमादा नजर ना आए। मुल्तान से मोहम्मद लतीफ़ साहब पूछते हैं कि दो आदमी देखे ख्वाब में, चाचा भतीजे हैं जो फौत हो चुके हैं, हकीकत में फौत हो चुके हैं, उन्होंने दो नामुलूद बच्चे गोद में उठाए। दोबारा कहें, चाचा भतीजे हैं जो हकीकत में इंतकाल कर चुके हैं, उनको ख्वाब में देखा उन्होंने, ठीक है ना, उन्होंने दो नामुलूद बच्चे गोद में उठाए हुए हैं, ये पूछते हैं बच्चे कौन किसके हैं, तो कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, यानी इनका जो दो ख्वाब में नजर आए, मतलब ये जो लतीफ़ साहब है उनका बेटा है, ख्वाब में नजर आए चाचा भतीजे। देखें चाचा भतीजे जो इन्होंने मरहूमीन है दोनों, अच्छा इनके चाचा हैं क्या है, इनके रिश्तेदार हैं, इनके पड़ोसी हैं, जान पड़ोसी हैं, दो नौमौलूद बच्चे हैं तो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर ये भी हो सकती है कि उनके घर में उनकी औलाद में से या उनके अजीज़ वक़ारिब में से कहीं किसी बच्चे की पैदाइश हुई हो। मिसाल के तौर पर अगर वो बड़ी उम्र के थे
तो उनके बच्चों के बच्चे हुए तो बच्चों के बच्चे भी अपने बच्चे होते हैं, या भाई का बच्चा है तो बंदा उसे भी कहता है ना कि ये मेरे बच्चों की तरह है। तो इस हवाले से किसी तरफ इशारा हो रहा है, तो बाकी इसमें किसी परेशानी की तरफ कोई इशारा नहीं है। चलते चलते एक ख्वाब शांगला हिल से आया था जी, कॉल ले लेते हैं, शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद इरफान साहब, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरा ख्वाब ये है कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, मैं जब भी देखता हूँ ना उन्हें परेशानी की हालत में, मतलब ड्रिप वगैरह लगी हुई है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, हमेशा बीमार नजर आते हैं और टेंशन में होते हैं। कहीं भी मुलाकात होती है तो वहाँ कीचड़ वगैरह पानी जमा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं जब भी ख्वाब में देखता हूँ ना, हफ्ते में 2-3 बार मुझे मतलब सैवरेज लाइन, नाले, गटर इस तरीके से नजर आते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं तो बैंक में जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है, आपका ख्वाब हमने नोट किया है और नेक्स्ट कॉलर मुंतजर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? रफीक बात कर रहा हूँ, प्रमुखागंज से। जी रफीक साहब जी, अच्छा अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने आपको बताया पहले, ख्वाब में होल्ड में हूँ मैं। जी दोबारा बताऊँ? जी दोबारा बताइएगा। जी रफीक भाई, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहा हूँ जी। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मेरी बीवी फौत हो चुकी है, तो मुझे खाद में सांस बैठी थी, तो मुझे एक गिलास दूध का दिया उसने। मैंने कहा मेरे सीने में जलन हो रही है, उसने कहा ये दूध पी ले आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है रफीक भाई, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया, अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, इंशाल्लाह बताएंगे आपका ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही है? मैं ज्यादा बात कर रही हूँ कराची से। कराची से जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरा ख्वाब ये है कि मैं चारपाई के ऊपर बैठी हूँ और मैं मेन गेट की तरफ देखती हूँ, तो मैं बोलती हूँ मेरी कजन है जो जिसका इंतकाल हो गया, वो मिलाद पढ़ाती थी, तो मैं बोलती हूँ मिलाद के लिए आ गई है बाजी, वो घर पे आती है, उसके बाद मैं उनको ना चारपाई पे मैं खड़ी हो जाती हूँ, चारपाई पे बैठाती हूँ, वो सिराने बैठ जाती है, उसके बाद उन्हीं की अम्मी, उनका भी इंतकाल हो गया, तो मैं वो खड़ी हो जाती हूँ, बोलती हूँ नहीं आप बड़ी हैं आप भी बैठ जाए। फिर मेरी नानी है, उसका भी इंतकाल हो गया, मैं उनको भी चारपाई में बिठा देती हूँ, मिलती हूँ, कहती हूँ नहीं मेरे बड़े हैं आप लोग चारपाई पे बैठो, तो मैं खड़ी होकर देख रही हूँ कि अब मैं कहाँ बैठू, तो मेरी बहन है ना जो मिलाद पढ़ने के लिए आई हुई जिनका इंतकाल हो गया, वो बोलती अपने सराने की तरफ इशारा करती है, कहती है यहाँ बैठो। किसकी तरफ इशारा मालूम करना था? किसकी तरफ इशारा करती है? कहती है चारपाई की तरफ इशारा करती है सिराने पे। अच्छा क्या आप इधर बैठ जाओ? ठीक है हाँ इधर बैठ जाओ। ठीक है मेरी बहन, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपका सदका दे दिया जी। और दूसरा ख्वाब ये है कि जी मेरे आप ख्वाब में आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, ये बताइए कौन कहाँ से जी, कौन कहाँ से? जी मैं आपका बात से मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, अभी जो आप ख्वाब बयान कर रहे थे वो हमारे कंट्रोल रूम को बयान कर रहे थे, अब आप प्रोग्राम में बाकायदा शामिल हो चुके हैं, अब आप बताइए अपना ख्वाब। कॉल ड्रॉप हो गई, चले ठीक है। अच्छा जी एक और कॉल शामिल करें, लेकिन शामिल करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें, आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें। अच्छा होता ही है, इसमें हकीकत ये है कि जब मुफ्त अब टेलीफोन लाइन मिलती है तो लोग जल्दी में होते हैं, भूल जाते हैं। बहरहाल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? लाहौर से गुलाम सकीना अर्ज कर रही हूँ। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने ख्वाब देखा था, खुली जगह पे बाहर खेतों में खड़ी हूँ, तो एक दरख्त है बेरी का, उसके ऊपर ना बेर लगे हुए हैं कुछ कच्चे कुछ पक्के, तो नीचे ना दो लगी हुई है बेले, एक कद्दू की बेल है और एक करेलों की है, और उनके ऊपर बड़े खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, तो बाकी सारी खुली जगह है। और दो अच्छा बस आपने नजारा किया है ख्वाब में के बेर का दरख्त। अच्छा ये बताएं, ये बताएं कि आप माशाल्लाह बच्चे हैं आपके? हाँ जी मुफ्ती साहब, मेरी उम्र 63 साल है, मेरे बच्चे जो हैं 2-3 की शादी कर दी है। उनके बच्चे हैं? उनके भी बच्चे हैं। माशाल्लाह चलें ठीक चले माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियाँ दिखाए बहुत सारी, आपका ख्याल रखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, ये बताइए कौन कहाँ से बात कर रही हैं?
भाई मैंने ख्वाब देखा है, मेरे अबू ना फोत हो गए, इंतकाल हो गया मेरे अबू का, तो वो मैंने ख्वाब देखा है, मैं अबू की कब्र पे गई हूँ, मेरी बहन और मैं, और मेरे अबू की कब्र टूटी हुई है। तो वो कब्र टूटी हुई, तो कब्र में से ना हमने खोद के अबू को निकाला, अबू खड़े हो गए, तो अबू हमें मार रहे हैं, हमें सबको मार दिया, सिर्फ मेरी बहन छोड़, उनकी मेरी बहन की आंख खुल गई, वो उठ गई। अच्छा ठीक है, एक बहन को नहीं मारा, बाकी सबको मार रहे हैं। हाँ जी, बाकी सबको मार दिया। और जिसको नहीं मारा उसकी आंख खुल गई, वही ख्वाब देख रही थी खुद ही? हाँ जी, वही खुद ही देख रही थी, उसने मुझे बताया मेरी बहन। अच्छा चले ठीक है, नाज़रीन इस ख्वाब के साथ हम जाएंगे एक वक्फे में, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन यकीनन आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं, तो बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। नहीं वो सब अच्छा, सांगला हिल से बहन ने ये पूछा कि दो खोजी कुत्ते हैं और एक जानने वाली खातून उनको लेकर आई हैं, और वो कहते हैं कि भाई चोर यही है, यानी इन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, कुत्ता पकड़ देते हैं जी। खोजी कुत्ते तो ऐसे ही पकड़ते हैं ना फिर एयरपोर्ट पर, यानी जिसके पास कुछ भी ना तो वो भी डर रहा होता है कि यार उनकी शक्लें भी ऐसी होती हैं। अच्छा, उनके इनके शोर आते हैं, हस्बैंड आते हैं, वो भगाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो दोबारा आ जाते हैं। देखें वो जो खातून है ना, मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कहूँगा, ख्वाब ये बता रहा है कि कुछ अनबन है, और ये अनबन जो है वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है, किसी चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो आप पर आ सकता है। तो लिहाजा मैं शुरू में मैंने कहा आगाज़ में भी कि अगर कोई चुपकलिश है भी तो उसे मिटाने की कोशिश करें। मैं ये कहता हूँ कि दुश्मन अगर दोस्त नहीं बन सकता तो कम से कम दुश्मनी उसके जहन से निकाल दें, उसके सामने यही आप प्रूफ करें कि भाई मेरी तरफ से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि दुश्मन उसी वक्त दुश्मनी करता है कि जब उसको होता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये तो करेगा, तो उसको ये प्रूफ कर दें कि भाई मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहें, मैं कुछ नहीं, हाँ सीज फायर जैसे मुँह बंद कर दें। इसके बाद जो है वो बहन ने पूछा कि किसी बुज़ुर्ग से ये उनकी सिस्टर जो है वो बेत होकर आती हैं, तो फिर कोई आवाज़ आती है कि तुम दोनों का नाम कफन पर लिखा जा चुका है। देखिए ये जो ख्वाब है ना, बेत करना तो अच्छी बात है, और ज़ाहिर है कि किसी न किसी का जो हाथ है वो इस तरीके से रूहानी तौर पर होना चाहिए, और कफन पर लिखे जा चुके हैं तो इस पर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर यह है कि इशारा जो है ना, क्योंकि हम आम तौर पर ये मादी ज़िंदगी है ना, मादियत वाली ज़िंदगी है, इंसान आसाइशों में रहकर आखरत को भूल बैठा है, दुनिया को सब कुछ समझ बैठा है, तो यहाँ पर कफन पर नाम लिखे जा चुके हैं, इसका गालिबन इशारा ये हो सकता है, ताबीर ये हो सकती है कि आपने जो ये काम किया है वो बेहतर किया है, और ये काम जो है आपको दीन इस्लाम के अहकाम की तरफ लेकर आएगा, अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के अहकाम की तरफ लेकर आ जाएगा और आप आखरत की तैयारी में लग जाएंगे, ये इसमें इशारा हो सकता है। और ज़ाहिर है कि जो इस तरह रूहानियत वाले होते हैं ना, जो मैं गलत लोगों की बात नहीं कर रहा, जो लिबादा ओढ़ कर इस फील्ड में घुसे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो सच्चे लोग होते हैं तो वो फिर अपने यानी जुड़ने वालों को ना वो अल्लाह ताला उसके रसूल अलैहिस्सलाम की बरगाह से मिलाते हैं और फिर उनको पक्का दीनी बना देते हैं, दीन से मोहब्बत करने वाला बना देते हैं। तो फिर इसके बाद जो है वो कहती हैं कि किसी दरबार में गई तो वहाँ दो रकत नवाफिल पढ़े, और फिर बहन ने इनके लिए ख्वाब में चांद सितारे देखे। देखें अगर आप हकीकत में किसी दरबार में जाती हैं तो किसी बुज़ुर्ग से नस्बत, उनसे मोहब्बत, ये अलहदा बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहिब मज़ार के मज़ार पर जाना, तमाम उलमाए किराम ने इस दो यानी दौरे पुरफितन में ख़वातीन को मना किया है कि वो कब्रिस्तान भी ना जाएं और इस तरह मज़ारों पर ना जाएं ताकि मर्द और औरतों का इख्तिलात पैदा ना हो। आप जानते हैं कि इस वक्त क्या फिर तूफ़ान बदतमीज़ी होता है और फिर उंगलियां उठती हैं, तो लिहाजा आप अगर चाहती हैं कि आप किसी बुज़ुर्ग को इस साल सवाब करें, अब ये तो देखें ख़वातीन के लिए यानी अपॉर्चुनिटी है ना एक तरीके से, कि अगर आप चाहते हैं तो आप जाते हैं मज़ार पर, उनके वसीले से दुआ करते हैं, इनको जो जाना भी नहीं पड़ता, ये बैठे बैठे उनके वसीले से दुआ करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह
वही अता फरमाएगा जो जाने वालों को अता फरमाता है। तो ये दो रकत नवाफिल पढ़ना ये दीन की तरफ, यानी आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ नस्बत जो है ना ये तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं, इसके तकाजों को भी पूरा कीजिए और दीन की तरफ मजीद आएँ। फिर इसके साथ साथ ये भी है कि फ़राइज़ वाजिबात के अलावा, जैसे हम कहते हैं नौकरी के अलावा ओवर टाइम करते हैं तो उसका ही मिलता है ना, तो फ़राइज़ वाजिबात ये तो नौकरी है, ये तो करनी करनी है ना, फ़राइज़ वाजिबात सुनत है, लेकिन आप मुस्तहबात की तरफ यानी नवाफिल की तरफ भी आएँ तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका भी बड़ा अजर आपको मिलेगा। बहन ने जो इनके लिए चांद सितारे देखे तो ये इनके लिए मुस्तकबिल में फ्यूचर में खुशियां हैं, ये अज़वाजी खुशियां भी हैं, औलाद की तरफ भी इशारा है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब है। भाई ने कहा कि वालिद मरहूम, अच्छा ये भाई इनकी ऑफर जो है वो कॉल ली थी तो कंट्रोल रूम वालों ने हमें बताया कि ये ख्वाब था, इन्होंने कॉल भी की थी लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी, तो वालिद मरहूम आए और चारपाई पर जो है वो मौजूद हैं और चादर ओढ़ी हुई है, तो ये माशाल्लाह मरहूम के लिए अच्छा ख्वाब है। दूसरा ये कि मुर्गाबियों का शिकार किया है, अब मैं जो कहूँगा इशारों में कहूँगा, ये बाज़ वक़्त वो ख्वाब देखता है कि जब कहीं पर कुछ शादी वगैरह करनी हो या कर चुके हों, ये वो ख्वाब देखते हैं। अच्छा बाज़ वक़्त ऐसा भी नहीं होता तो फिर उसकी ताबीर ये होती है कि जो काम मुझे करने चाहिए मैं उन कामों में नहीं हूँ, जो नहीं करने चाहिए लाहव लाइब वाले काम है तो मैं खुदा ना खास्ता कहीं उसमें तो नहीं हूँ। तीसरा इसका ये है कि मतलब बाज़ वक़्त जाने अनजाने में बंदे से ऐसे काम हो जाते हैं जो शरीयत के मुवाफिक नहीं होते, तो इस पर ज़रा गौर कर लें, तीनों ऑप्शंस पर आप गौर फरमा लें। बहन ने गुजरांवाला से पूछा, घर बन रहा है, तामीर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है फिर तामीर मुकम्मल हो जाती है, बाज़ार में अपने भाई दूसरा कहती हैं कि बाज़ार में अपने भाइयों के साथ हैं, ना कोई रकम है ना सवारी है, फिर किसी से पैसे लेती हैं, और फिर एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि जी आपका घर जो है ना वो आ चुका है, तो इसकी ताबीर उन्होंने पूछी, इनकी औलाद नहीं है, ये बहुत परेशान रहती हैं। जो अंधेरा है ना, ये जब आदमी को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो फिर वो गोया के अंधेरे में आप कुछ देख नहीं पाते, तो ये अंधेरा इस्तियारा है कि ये मायूस होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें, घर बन रहा है, तामीर, अंधेरा, फिर जो है तामीर मुकम्मल हो गई, बाज़ार में अपने भाइयों के साथ है, ना माल ना सवारी, लेकिन कोई पैसे दे देता है। एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि आपका घर तो आ चुका है, आपको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप मायूसी के अंधेरों में जाने के बजाय इलाज पर तवज्जो दें और अल्लाह पर तवक्कुल करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें आपकी तमन्ना को पूरा फरमाएगा, ये इशारा हो रहा है। दूसरा, नमाजों की पाबंदी के साथ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38 से रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, ये ज़करिया अलैहि सलाम की दुआ है, तो उनके वसीले से ये दुआ सुबह शाम 33-33 मरतबा पढ़ें, से भी कहें अव्वल खतीम बदरू शरीफ के साथ, फिर दुआ करें ज़करिया अलैहिस्सलाम तो सलाम के वसीले से, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा। फिर एक सरगोधा से बहन ने पूछा कि अक्सर ख्वाब में नमाज देखती हैं, उसके लिए वजू कर रही हैं, दूसरा ख्वाब कुरान पढ़ रही हैं, ख्वाब में चूँकि आप हकीकत में नमाज रोज़े की पाबंद हैं, अहकामात शरिया की पाबंद हैं, कुरान भी पढ़ती हैं, तो ख्वाब में वही देख रही हैं जो आप करती हैं, तो ये माशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतरीन ख्वाब हैं, और इस इन आमाल को कंटिन्यूसली आप जारी रखें, इंशाल्लाह इसकी बड़ी बरकतें आपको मिल रही हैं। इनके भांजे ने देखा कि लट्टू की तरह तूफ़ान है, सबको उड़ा रहा है, फिर वहाँ कदम रखते हैं तूफ़ान रुक जाता है, आगे जो है वो ईंटों की बारिश, वहाँ कदम रखते हैं तो ईंटों की बारिश ख़त्म हो जाती है, फिर आगे देखते हैं तो हवाई जहाज आग जो है वो फेंक रहा है, वहाँ कदम रखते हैं तो वो भी रुक जाता है। इनके जो भांजे हैं ना, बाज़ औक़ात लोग बड़ी तगोदो के साथ कहीं जाकर किसी मकाम पर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बाई बर्थ बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह होता है कि उनमें ये खासियतें होती हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके भांजे के साथ वो रखा है, और जैसे कहते हैं ना कि वो सोन मिट्टी को हाथ लगाए सोना बन जाए, तो ऐसी खासियतें इनमें हैं, ये अगर दीन की तरफ आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको बहुत अच्छा मकाम अता फरमाएगा। ताहिर साहब ने जो कमाली से पूछा ये हम बता चुके हैं, और इसके अलावा जो है वो मोहम्मद इरफान साहब ने पूछा कि अबू मरहूम है परेशानी की हालत में, टेंशन में, आप उनको इसाले सवाब करें, आप कमी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको इसाले सवाब करें। ये ख्वाब में सेवरेज लाइन गटर इनको गंदा पानी नज़र आता है, मेरे भाई आप जिस फील्ड में हैं, आप के जो रिसोर्सेज हैं, तो ये उलमा जो मुअब्बिदीन उलमा है वो फरमाते हैं कि रिसोर्सेज में अगर कोई ख़लत मलत चीज़ हो रही है, यानी हलाल हराम सब चीज़ें,
तो तभी ये ख्वाब आप देख रहे हैं, तो आप ज़रा गौर फरमा लें इस पर। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। रफ़ीक साहब ने कहा कि बीवी मरहूम है, मरहुमा है, ख्वाब में साथ बैठती हैं, दूध इनको देती हैं, कहती हैं कि सीने की जलन जो है वो दूर हो जाएगी, तो ये कहते हैं कि फिर आँख खुल गई। तो मतलब ये है कि आपके लिए ये ख्वाब बहुत अच्छा है कि कोई बीमारी अगर है तो उसमें भी इंशाल्लाह इफाका होगा, इलाज की तरफ तवज्जो दें। दूसरा ये कि आपको कोई दुनियावी तौर पर खुशी हासिल होगी इंशाल्लाह। फिर इसके बाद कराची से बहन ने पूछा, चारपाई पर बैठी हैं, मेन गेट है, वहाँ कज़न मरहूमा जो मिलाद पढ़ती थी वो आई, फिर उनकी वालदा आई, फिर नानी मरहूमा आई, चारपाई पर बैठी हैं, तो ये खड़ी होती हैं कि मैं कहाँ बैठूँ, तो कज़न मरहूमा इशारा करती हैं कि सिरहाने पर बैठ जाएँ। इन तमाम मरहूमिन को एक तो इस साल सवाब करें, और दूसरा ये करें कि आप थोड़ा सा दीनी अहकामात की तरफ तवज्जो करें और अल्लाह ताला उसके रसूल की इताअत करें, और ख़ास तौर पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर चलें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत बरकतें हैं। फिर इसके बाद लाहौर से ग़ुलाम सकीना ने पूछा, खुली जगह है, खेत एक दरख्त है, बेरी का कुछ कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं बेरी, और फिर दो बेलें हैं, एक कद्दू और एक करेले की, तो ये पूछती हैं कि इसकी ताबीर क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको औलाद की खुशियाँ अता फ़रमाईं और औलाद की खुशियाँ भी अता फरमाई, तो ये सारा जो है ना इस तरफ इशारा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर बड़ा करम फरमाया, वो बड़े खुश नसीब होते हैं जो सिर्फ़ औलाद की खुशियाँ नहीं देखते, औलाद की औलाद को भी देखते हैं, उनकी भी खुशियाँ देखते हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा करम है और आपके लिए बहुत अच्छा ख्वाब है। बहन ने कहा कि अबू मरहूम की कब्र पर गई तो वह कब्र टूटी फूटी है, तो खोद कर निकाला उन्हें, वो जिंदा है और इन्हें सबको मार रहे हैं, और एक बहन बची है, तो फिर वो उनकी आँख जो है वो कहती हैं खुल जाती है। तो बहरहाल कोई ऐसा काम घर में है कि जो एक वालिद ने मतलब बनाया था, सबको साथ रखा हुआ था, जोड़कर रखा हुआ था, उसके तितर बितर होने की तरफ इशारा है कि कुछ ऐसे कुछ खुदा ना खासा लड़ाई झगड़े हैं, ऐसे मामलात हैं कि जो आप उनके बिल्कुल मुनाफी कर रहे हैं, तो ज़रा इस पर गौर कर लें और वालिद साहब की दुआ मगफिरत और सारे सवाब भी करते रहें। बशर फरमाए आपको नाविन गाम जिंदगी बखैर, तो इंशाल्लाह अगले जुमत मुबारक और अगले सैटरडे को आपके साथ इस प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी, और फराज़ वाजबात के साथ दुरूद पाक की कसरत रखें कि मेरा रब सूरह कशरा में फरमाता है, जो फरागत में हो तो अल्लाह पाक का जिक्र किया करो, कसरत से जिक्र करें। हम सबको दुआ में रखें, अल्लाह पाक आपको हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।